हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, घर पे सही सलामत है। तो आज की इस DIY वीडियो में मैं आपको एक बॉडी वॉश बनाकर दिखाऊंगी और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी वॉश है ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, अनलाइक फ्यू बॉडी वॉश अवेलेबल इन मार्केट। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे मैंने एक रीठा शैम्पू का वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में मैंने यही इंग्रेडिएंट से ही शैम्पू बनाया था और आज भी वही प्रोसेस होने वाला है, लेकिन टेक्निक थोड़ा सा अलग है। तो ऑब्वियसली रीठा बॉडी वॉश हम बनाएंगे। रीठा बॉडी वॉश के लिए हमें चाहिए रीठा, इसे सोपनट कहते हैं, और ये आसानी से आपके पास के ग्रॉसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप अंडमान से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको राम सिंह जी के दुकान पे ये रीठा मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो आपको क्या करना है, रीठा लेना है एंड उसे थोड़ा सा पहले कूट लेना है मोटर पेस्टल पे, जस्ट एक हल्का सा एक प्रेशर देना है जिससे कि उसका सीड निकल आ जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ऐसे ही आप कुछ रीठा का मतलब 4 से 5 आप ले सकते हो, उसका आप सीड निकाल के रखें, एक टाइम की यूज़ के लिए बोल रही हूँ, और उसके बाद आप पानी में डिप करके रखें। ये एक बहुत ही अच्छा क्लेंजर तो है ही, साथ पे इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इसके कारण अगर आपकी स्किन में कोई भी एक्ने या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है, इसे हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसके साथ रीठा के साथ हमें चाहिए कुछ हिबिस्कस यानी जास्फन के पत्ते। अगर आपके घर पे फूल है आप फूल को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्ती ले लिया है। पत्ती का अगर क्वांटिटी मैं बोलूँ तो आप ले लीजिए 7 से 8 हिबिस्कस के पत्ते। इस बॉडी वॉश में डालने से इसमें एक एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी आ जाता है, ये हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है। और क्योंकि इसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी है तो इस कारण अगर हमारे शरीर में कोई भी दाग धब्बा है इसे ये लाइट करने में मदद करता है। और स्किन में एक्चुअली एक इवन टोन आने के लिए भी ये मदद करता है। तो आप जब पत्ती इसका लोगे तो देख लेना इसका बैक साइड में कोई भी वाइट पैचेस अगर रहा तो उस पत्ती को आप यूज़ ना करें क्योंकि उसमें एक्चुअली उस पत्ती में फंगल इन्फेक्शन होता है। तो आपको यहाँ पे उसी रीठे के पानी में ही ये सारा लीव्स को दे देना है। और हाँ, अच्छे से धो के आप इस पानी में इस पत्ती को डालना और उसके बाद इसको आप हल्की फ्लेम में थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लीजिए। मैंने ये सारा स्टेप रीठा शैम्पू वीडियो में दिखाया है, तो वो वीडियो आप डिटेल में चेक कर सकते हो। तो आप जैसे जैसे इसको बॉईल करोगे आप देखोगे ऊपर में इसका फोम आ रहा है क्योंकि इसमें सैपोनिन है रीठा में, इस कारण ऊपर में इसका बहुत ज़्यादा फोम आ जाता है। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रखना है एंड जैसे वो ठंडा हो जाए उसके बाद आपको बहुत अच्छे से मसल लेना है। आप जितना रीठा और हिबिस्कस को एक साथ मसलोगे उतना ये थिक होगा और उसके ऊपर में एक फोम और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप इस पानी को फिल्टर करके एज ए शैम्पू यूज़ कर सकते हो। बॉडी वॉश के लिए आपको ऐसा एक चॉपर ले लेना है, बहुत ही ईजिली मिल जाता है, मैंने बस 200 रुपीज़ से ख़रीदा है, मेरे किचन में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें ये फिल्टर पानी को दे देंगे और उसके बाद चला लेंगे, यही करना है बस। और अभी आप देखो इसका मैजिक कैसा होता है। तो जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, अभी हमें बस करना है हाथों का एक्सरसाइज। तो 10 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही चॉपर में चला लिया। एंड ये देखिए, खोलने के बाद हमारा बॉडी वॉश तैयार है। इसे अगर मैं उल्टा भी कर रही थी ना तो ये गिर नहीं रहा था, लेकिन यस थोड़ी देर बाद ये फिर से पानी फॉर्म में आ रहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही यूज़ किया एंड मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो अगर आप नेचुरल बॉडी वॉश बनाने के लिए सोच रहे हैं और अगर आप नेचुरल वे में ही अपना स्किन केयर बॉडी केयर करना चाहते हो तो ये वाला बॉडी वॉश आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो। इस बॉडी वॉश से अपने बॉडी को वॉश करने के बाद भी आपका स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है क्योंकि रीठा में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट है और हिबिस्कस में भी है। और अगर आपको बैक एक्ने की बहुत ज़्यादा समस्या है तभी भी आप ये वाला बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे लोग एलर्जिक भी होते हैं बॉडी वॉश या फिर सोप से, वो सारे लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। लेकिन यस, इसे यूज़ करने के पहले आपको एलर्जी टेस्ट करना है क्योंकि आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट से भी एलर्जिक हो सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये बहुत ही ईजी येट इफेक्टिव DIY अच्छा लगा होगा। आज ही आप जाइए मार्केट से रीठा ले आइए और अपना बॉडी वॉश घर पे ही बनाइए और एक बार यूज़ करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद एक न्यू टॉपिक। टिल देन आप खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर माय लवली 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 फ्रेंड्स।